दोस्तों, अगर आप भी जेट ब्लैक की तरह फ्लोरल रोज अगरबत्ती बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो एक जेट ब्लैक की जो फ्लोरा अगरबत्ती आप बना सकते हैं। और दोस्तों, ये जो फार्मूला है यह सेम आप धूपबत्ती में भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखिए, धूपबत्ती और अगरबत्ती सभी बनाना जानते हैं, पर एक्चुअल जो परफ्यूम वगैरह की जो प्रिपरेशन है वो बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि भाई हम कौन सा जो केमिकल है वो डाल दें जिससे कि जो एक जो फ्लोरा अगरबत्ती है या फिर फ्लोरा धूपबत्ती है वो इस तरह की बन जाए। तो देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं कि यह जानने की कोशिश करते हैं जो कि सीक्रेट फार्मूला जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनाती है वह कौन सा फार्मूला अपनाती है जिनके जलाने पर, जिनकी अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती जलाने पर बहुत ही ज़्यादा तेज फ्रेग्रेंस आती है। तो देखिए, वो जो सीक्रेट फार्मूला, कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा फार्मूला मैं रिवील करने वाला हूँ। और इस फार्मूले के जानने के बाद में आप उसी तरह की अगरबत्ती या फिर धूपबत्ती आप बना पाएंगे जिसके जलाने पर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल जो फ्रेग्रेंस आती है। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, ज़्यादा देर ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले आपने लेना है सूखा केमिकल, आता है रोज क्रिस्टल। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह का देखिए पाउडर शेप में होता है, रोज क्रिस्टल हो लेना है। ठीक है, तो ये आपने लेना है 25 ग्राम। देखिए, 25 ग्राम आपने लेना है। तो अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि हम इसे यूज़ कैसे करेंगे। देखिए, आपको जो फार्मूला है यानी जो धूमबत्ती अगरबत्ती बनाने का फार्मूला सेम रहेगा, मैं उसमें कुछ अल्टरनेट नहीं करने वाला हूँ, आप वैसे बनाते वैसे ही बनाइए। ठीक है, आपने क्या करना है, बनाते समय जब आप प्रीमिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें 25 ग्राम ये जो रोज क्रिस्टल पाउडर है, ये वाला जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये वाला, ये आपने डाल देना है प्रीमिक्स बनाते समय। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टेप ध्यान से सुनते जाइए, एक एक वीडियो में मैं आपको बताता जा रहा हूँ, एक एक स्टेप इसी वीडियो में। अब आपने परफ्यूम लेना है दोस्तों रोज का। देखिए, मैं यहाँ पर रोज की ही फ्रेग्रेंस की बात करूँगा और किसी फ्रेग्रेंस की बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको रोज के फ्लोरल या फिर जो रोज की फ्लोरल अगरबत्ती या फिर मैं धूपबत्ती बनाना आपको बता रहा हूँ। आपने लेना है 1 किलो रोज का परफ्यूम। ठीक है, देखिए, अगर आपके पास में ना हो, ठीक है, तो ये जो आप दोनों चीज़ें आप मंगवा सकते हैं, रोज का परफ्यूम और ये जो रोज क्रिस्टल है दोनों। तो आपने क्या करना है, ये रोज का जो परफ्यूम लेना है, ठीक है, 1 किलो, और 1 किलो में आपने मिलाना है DEP 4 किलो। देखिए, आपका जो टोटल जो कंपाउंड तैयार हो जाएगा वह हो जाएगा 5 किलो। ठीक है, अब बहुत से लोग इसमें से अभी वीडियो छोड़ के भाग जाएंगे, सोचेंगे अभी डिपिंग करवाया, डिपिंग नहीं करवाने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनता जाइए मेरी बात को। आपने 1 किलो परफ्यूम में 4 किलो DEP डाइल्यूट करके रख लिया। ठीक है, उसके बाद में आपने इसमें से लेना है 75 ग्राम। 75 ग्राम दोस्तों ये कंपाउंड है, 5 किलो में से लेना है। और आपने क्या करना है, ये प्रीमिक्स बनाते समय जब जैसे आपने ये जो रोज क्रिस्टल डाला था उसी के साथ आपने जो मिक्सर है इसमें से 75 ग्राम भी उठा के उसी में डाल देना, चाहे आप धूपबत्ती बना रहे हैं या फिर आप अगरबत्ती बना रहे हैं। ठीक, उसके बाद में आप अच्छी तरह इसे क्या कहते हैं, चाहे आपके पास में हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, चाहे आपके पास में मिक्सर वाली मशीन हो, तो आप क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जैसे मिक्स करेंगे उसके बाद में आप अपनी धूपबत्ती या फिर अगरबत्ती बनाएंगे, चाहे आप व्हाइट वाले बनाइए चाहे कोई से भी कलर वाले बनाइए, कलर इशू नहीं करता, मैटर नहीं करता है। उसके बाद में जब आपकी धूपबत्ती मशीन से निकलेगी या हाथ से निकलेगी, जो कुछ भी कोई भी तरीका अपनाएंगे रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आपने धूपबत्ती बना ली। अब सवाल यह आता है कि भाई हम इसे छाया में सुखाएं या फिर इसे हम धूप में सुखाएं। देखिए, बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, जैसे कि जेट ब्लैक हुआ या फिर देवदर्शन हुआ या जितनी भी नामी ग्रामी कंपनियां, वो क्या करती हैं, उनके पास दोस्तों एक से एक जो महंगे ड्रायर होते हैं और वो धूप में नहीं सुखाती हैं। तो अगर कोशिश करिए, अगर आप पंखे की हवा में सुखा सकें तो पंखे की हवा में सुखाइए। तो अगर जिसको जल्दी तैयार करने, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो वो जो है अपनी क्या नाम है, जो अगरबत्ती या धूपबत्ती धूप में भी सुखा सकता है। तो जब ये बनके तैयार हो जाएगी, सूख के ड्राई करके तैयार हो जाएगी, तो इसके बाद में जो धूपबत्ती अगरबत्ती आप जला के देखेंगे तो इसके अंदर से एक जो बढ़िया जो फ्रेग्रेंस है वो आने लगेगी। पर यहाँ पे जो है ना, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे को बनानी है स्पेशल जो है
जो एक्सपोर्ट क्वालिटी जो है जो कि ब्रांडेड कंपनी अपनाती है अपने फार्मुलेशन की, वो बनानी है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनते जाइए। आपने वो ले ली, ठीक है, छाया में सुखाएंगे तो बेहतर है, ठीक है। अगर धूप में भी सुखाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि धूप में सुखाने से 5-10% ही फ्रेगरेंस वगैरह कम होती है। अगर आपके यहाँ जो इथर बेस्ड परफ्यूम नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको डीपी मिल वो क्या नाम है इथर बेस्ड परफ्यूम देते हैं, तो क्या होते हैं धूप में उड़ जाते हैं। तो हम जो परफ्यूम बनाते हैं, हम ज़्यादातर बनाते हैं दोस्तों ऑयलिक बेस्ड कंसनट्रेट बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अगर धूप में भी सुखाएंगे अपनी अगरबत्ती या धूपबत्ती तो भी कोई इशू नहीं आता है, क्योंकि आपने देखा होगा अगर कपड़ों पे अगर तेल पड़ जाए, ठीक है, तो वो उसको सूखने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। और वहीं अगर आप पानी अगर कपड़ों में डाल दें और उसे धूप में डाल दें तो जल्दी उड़ जाता है। तो इथर बेस्ड जितने भी जो परफ्यूम होते हैं वो धूप में सुखाने से उड़ जाते हैं। तो हमारा वाला ये जो परफ्यूम रहता है, ये वाला रहता है ऑयलिक बेस्ड, ठीक है। तो ये आपने अगरबत्ती बनाकर रख ली। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिए, आपने अगरबत्ती लेना है, ठीक है, या फिर धूपबत्ती लेना है। अब जो बची उसके बाद में आपने क्या करना है, जो मैंने आपको कंपाउंड बचा के रखा बना के रखा था, ठीक है, अब उसकी बारी आती है उसे यूज करने की, ठीक। अब क्या हुआ, या आप लेंगे जो भी तैयार हो गई है, ठीक है, उसको अब हम इसे परफ्यूम करेंगे अगरबत्ती को, जैसे कि हम डिपिंग करना भी कहते हैं दूसरे शब्दों में, तो हम परफ्यूम करेंगे। परफ्यूम कैसे करेंगे दोस्तों, हमने वो तैयार मिक्सर ले लिया, उसके बाद में डिपिंग करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ कितनी देर तक उसमें रोकनी है और कितनी देर तक निकालनी है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और ये प्रीमियम कंटेंट है, ठीक है, जिसमें फ्री में अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए आपने क्या करना है, धूपबत्ती अगरबत्ती परफ्यूम में ऐसे करके डिप करनी है। अब डिप करने का तरीका बताऊंगा जब भी मेरे डिपिंग वगैरह नीचे होएगी, ठीक है। तो आपने अगरबत्ती लेनी है, ऐसे करके डिप करनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये गिनती गिननी है। ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, 30 सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी उम्र 30 साल नहीं है, मतलब मेरे को 30 साल का अनुभव नहीं, मेरे पिताजी का अनुभव है, तो उनसे ही जो कुछ मैं आपको डिटेल में बताता रहता हूँ। तो आपने इस तरह डिपिंग करनी है धूपबत्ती अगरबत्ती, ठीक। अब डिपिंग करने के बाद में आपने निकाल के रख देनी है। अब उसके बाद में आप इसकी जो जला के देखेंगे, आप जो कौनिया अगरबत्ती जो धूपबत्ती अगरबत्ती जो कुछ भी आप बना रहे हैं, अब इसके बाद में जला के देखेंगे दोस्तों, यकीन मानिए इसमें जो फ्रेगरेंस है एक्सपोर्ट क्वालिटी की फ्रेगरेंस है, और आपने ये जो माल बना के अगर आपने किसी भी कस्टमर को दे दिया, ठीक है, तो वह कस्टमर दोस्तों परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट होने के साथ साथ दोस्तों उसकी जो रिपीटेशन सेल है वो भी रिपीट आएगी। ये जो फार्मूला है, ठीक है, ये हम अपने जो अगरबत्ती धूपबत्ती में 30 सालों से अपना रहे हैं। अब बहुत से लोगों से शिकायत रहती है कि भाई हमारे पास परफ्यूम में नहीं आता है, ठीक है, एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसे बनाए, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है जो कंपनियाँ जो अपनाती है, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसे ब्रीफ में समझा दूँ कि थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव अगर आप धूपबत्ती और अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं। तो देखिए अब बहुत से लोग हमने क्या करा इसमें, देखिए जो परफ्यूम है अंदर भी डाल दिया, सेम परफ्यूम गुलाब का मैंने जो आपको तैयार करवाया था अंदर भी डलवा दिया और ऊपर भी लगा दिया। यानी दोस्तों अगरबत्ती और धूपबत्ती का कण कण जब जलेगा, ठीक है, तो उसके अंदर से वही स्मेल आएगी जो कि आनी चाहिए परफ्यूम की, यानी गुलाब की स्मेल आएगी अगर आप अंदर नहीं डालते हैं, ठीक है। अगर आप अंदर नहीं डालते हैं तो आपको केवल चारकोल गाय के गोबर वो तो जो कुछ भी आप डाल बनाते हैं, ठीक है, उसी की स्मेल थोड़ी बहुत आती है। तो ये था जो फार्मूला जो मैंने आपको बताया कि भाई आप किस प्रकार से एक जो ब्रांडेड कंपनी की तरह आप धूपबत्ती और अगरबत्ती बना सकते हैं। तो और दोस्तों अगर आपके ये जो है परफ्यूम गुलाब का परफ्यूम, ठीक है, और ये रोज क्रिस्टल परफ्यूम अगर आप अपने लिए यूज़ के लिए मंगवाना चाहते हैं अगरबत्ती धूपबत्ती के लिए, तो दोस्तों आपको एक स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप व्हाट्सएप पर संपर्क करके इसके रेट वगैरह ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया वगैरह से हम इसे सेंड करते हैं और कई जगह भेजा भी, तो उनका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा आया है और उनकी जो सेल है उसमें भी कई परसेंट का जो बूस्ट हुआ है। यानी जो पहले जो सेल है उनकी बढ़ गई, जिसको मैंने जो बताया है भाई वहाँ से लोग लेते हैं। और ये देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये आपको चाइनीज़ में मिल जाएगी। अब चाइनीज़ बहुत लोग इस्तेमाल सस्ते के चक्कर में इस्तेमाल, यार
वो तो उतने रेट का दे रहा है और वो हम वहाँ पे इस रेट का मिल रहा है। तो दोस्तों केमिकल भी इसमें चाइनीज वगैरह होते हैं और आप जानते हैं कि चाइनीज माल का क्या हाल होता है। अगर चाइनीज माल देखिए आप 50 ग्राम डालते हैं ठीक है, तो ये 25 ग्राम ले लो, आधे के स्टैंड का ही काफ़ी होता है। तो कोशिश करिएगा मुझसे नहीं कहीं से भी आप खरीदें ठीक है, तो चाइनीज वगैरह ना लें। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि धूपबत्ती अगरबत्ती से रिलेटेड जितनी भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है इस चैनल पे अपलोड होती रहती है। मैं मिलूंगा आपसे जल्दी ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।